यूपीएससी की तैयारी का मन बनाती ही स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले दिल्ली शहर का नाम आता है और इसके पीछे कई बेहतरीन कारण भी हैं, जैसे यहाँ के कोचिंग संस्थान, तैयारी करने का माहौल इत्यादि। बिहार, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों से स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली का ही रुख करते हैं। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन अपने घर से दूर देश की राजधानी में रहकर तैयारी करने के लिए धन की जरूरत भी पड़ती है। और यदि आप भी तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है दिल्ली में तैयारी के लिए एक साल रहने का खर्चा। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए होने वाले खर्चे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बाद भी लोगों में आईएएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के प्रति लोगों का जुनून कम ही नहीं हो रहा, लेकिन आईएएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग की मोटी फीस और बड़े शहरों में रहने का मोटा खर्चा भी काफी होने लगा है। अब कौन आदमी धन किस तरह खर्च करता है ये पूरी तरह तो उसके ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन हम आपको एक जनरल एक्सपेंस की जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे किताबें, रूम रेंट, कोचिंग का औसत खर्चा इत्यादि। आम जरूरत की चीजें जैसे कमरे का किराया, 3 बार का खाना, बिजली, पानी और परिवहन का खर्चा छोटे शहरों की तुलना दिल्ली में जाहिर सी बात है ज्यादा ही। अगर हम बात दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर की करें तो सारी अनिवार्य सुविधाएं के साथ साथ कोचिंग केंद्र के पास एक कमरे का खर्च लगभग 15,000 रुपए होता है। वहीं मुखर्जी नगर और अन्य स्थानों में सभी सुविधाओं जैसे कि किराया, बिजली, पानी, खाने के साथ एक कमरे का खर्च करीब 10,000 रुपए होता है। तो अगर साल भर के लिए देखा जाए तो ये खर्चा 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक के बीच हो जाता है। अगर हम कोचिंग संस्थानों की फीस संरचना की विश्लेषण करें तो एक अच्छे संस्थान की फीस 1 लाख से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। आपको इसमें कम में भी संस्थान मिल सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता से समझौता करना पड़ सकता है। कोचिंग के खर्चे निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए पूरे कोर्स के लिए 1 लाख से 2 लाख, वैकल्पिक विषय की कोचिंग 30,000 से 50,000, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज 10,000 से 20,000, निबंध, सी सेट, अंग्रेजी का अनिवार्य पेपर और क्षेत्रीय भाषा जैसे कुछ कोर्स के लिए अलग कोचिंग 10,000 20,000। अलग अलग संस्थानों की जगह के अनुसार फीस की में भी थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी 1.5 से 2 लाख का खर्चा तो माना ही जा सकता है। अब बात करते हैं किताबों की। वैसे तो आईएएस की तैयारी के दौरान जो भी किताबें आप पढ़ते हैं उन किताबों में बहुत अधिक पैसे खर्च होते तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ी किताबों को आसानी से खरीद सकता है और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर औसत खर्च की बात की जाए तो 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक के बीच में आपको आपकी सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आपको हर महीने खरीदना होता है। यहाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको हर रोज खरीदना होता है, जैसे कि अखबार इत्यादि। परीक्षा में करंट अफेयर्स का महत्व को इग्नोर नहीं किया जा सकता और इसके लिए रेगुलरली अखबार और मैगजीन्स खरीदने पड़ते हैं। इसका मासिक खर्च 400 से 500 के बीच हो जाता है, यानी कि साल का 5,000 रुपए। इन सभी खर्चों के अलावा पॉकेट मनी के लिए अगर महीने में 3,000 रुपए मान लिए जाए तो ये खर्च साल में 36,000 रुपए तक का बैठता है। इन सभी खर्चों के यदि जोड़े तो कुल खर्च 3.5 लाख के आसपास आता है। मतलब यदि आपको एक साल दिल्ली में रहकर कोचिंग के साथ तैयारी करनी है तो कम से कम 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन यदि आप बिना कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये खर्च घटकर 1.5 से 2 लाख के बीच हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।